हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लांट ट्रिमिंग के बारे में बात करेंगे। तो पहला मेथड जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ प्रूनिंग। बेसिकली प्रूनिंग ये है कि हम जहाँ से न्यू लीव स्टार्ट हो रहा है उस जगह से ब्रांच को कट करेंगे। ये देखें किस तरीके से मैं कट कर रही हूँ। अब जिस जगह से मैंने कट किया है वहाँ से दो और ब्रांचेस निकलेंगे और इस तरह से ये प्लांट और बुशी बनेगा। ये देखें, दोबारा मैं दिखा रही हूँ आपको कि जिस जगह से लीफ के मतलब ब्रांच के सेंटर में से या किसी भी जगह प्लांट पॉइंट से, बस आपने ये देखना है कि जहाँ से न्यू लीफ स्टार्ट हो रहा है उस जगह से हमने इसको बेसिकली सीज़र से कट करना है ब्रांच को उस जगह से, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ये प्लांट बुशी और मोर हेल्दी होगा और ये ज़्यादा ग्रो होगा। अब एक और तरीका है दैट इज़ पिंचिंग। बेसिकली ये क्रोटॉन प्लांट की ही मैं दो टाइप्स बता रही हूँ आपको। पिंचिंग इज़ दैट कि आप बिल्कुल जो सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट जो है उस पे जो बिल्कुल न्यू स्मॉल बेबी लीव्स हैं आप उनको सिंपल पिंच आउट कर दें और इस तरीके से यहाँ से फिर नौ दो और न्यू ब्रांचेस निकल आएंगी, ठीक है। ये तरीका है, दो प्रोसेस हैं। अब मैं पिंचिंग मेथड को आपको और डिटेल में बताती हूँ। ये दो और प्लांट्स हैं, अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये दो बेबी लीव्स हैं, ठीक है। अब मैंने इनको सिंपली पिंच आउट किया है। अब यहाँ से जो जगह बची है यहाँ पे दो और ब्रांचेस इस तरीके से निकल आएंगी। ये देखें, एक और ब्रांच है, इसमें भी मैंने छोटे बेबी लीव्स को काटा है। थोड़ा सा अफसोस होता है ये पिंच करते हुए कि आपका न्यू लीफ निकला है और आपने उसको निकाल दिया है, लेकिन आप यकीन मानें कि ये जिस तरह आप ग्रो करेगा प्लांट तो आप देखिएगा कि डिफरेंस होगा, क्योंकि ये अब जिस जगह से हम पिंच आउट कर रहे हैं उसी जगह से दो और ब्रांचेस बनेंगी और इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और इट मेक्स मोर बुशियर एंड हेल्दी। आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। काइंडली प्लीज़ मुझे प्लीज़ अपने लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।